गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको स्टॉक प्रणाली के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको बता चुके हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं दोनों जब साथ साथ होती हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि नाम से ही परिलक्षित होता है कि रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन या अपचयन व ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण की क्रिया जब दोनों साथ साथ होती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए रेडॉक्स जो कि इंग्लिश वर्ड है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं रेडॉक्स, और रेडॉक्स का मतलब होता है रेड प्लस ऑक्स, और रेड या रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इसी आधार पर अल्बर्ट स्टॉक थे, उन्होंने एक प्रणाली बताई थी जिसको हम स्टॉक प्रणाली कहते हैं। इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी परमाणु का, किसी यौगिक का, जैसे मान लीजिए एक यौगिक है FeCl2 जिसको हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं, तो ये फेरिक क्लोराइड यदि क्रिया करके FeCl3 में बदल रहा है, मान लीजिए FeCl2 क्रिया होने के बाद FeCl3 में बदल रहा है किसी भी अभिक्रिया में, तो उस परिस्थिति में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में, तो ऑक्सीकरण में हमेशा संयोजकता बढ़ती है, और यदि हम अपचयन की बात करते हैं तो इसमें संयोजकता हमेशा घटती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो FeCl2 है, यहाँ पर आयरन की जो संयोजकता है, यहाँ पर आयरन की जो संयोजकता है यहाँ पर +2 है, और यहाँ देखिए आयरन की संयोजकता आपको +3 दिखाई दे रही है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के बाद ये +2 से इसकी संयोजकता +3 में बदल रही है। तो स्टॉक प्रणाली में ये बताया गया कि जिसकी संयोजकता जितनी होगी, जैसे अगर संयोजकता 2 है तो उसको आपको रोमन अंक में लिखना है। ऐसे ही रोमन अंक आप जानते ही हैं, रोमन अंक के लिए हम लिखते हैं इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। तो अल्बर्ट स्टॉक ने यह बताया कि अगर कोई भी यौगिक जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है या जिसका अपचयन हो रहा है, तो चूंकि ऑक्सीकरण में आप संयोजकता बढ़ती हुई देखते हैं, और यदि अपचयन की क्रिया हो रही है तो उसमें संयोजकता का मान कम हो जाता है, तो उस आधार पर जो भी ऑक्सीकरण होगा उसे हम उसके रोमन अंक के अनुसार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने FeCl2 लिखा, तो यदि हमें स्टॉक प्रणाली के अनुसार लिखना है तो इसे हम लिखेंगे आयरन, आयरन सेकंड, यहाँ लिखेंगे आप सेकंड क्लोराइड, इस प्रकार से। ठीक इसी तरह यदि हम FeCl3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण से आयरन की जो संयोजकता है वो 2 से 3 में बदल रही है, तो यहाँ पर FeCl2 को स्टॉक प्रणाली के अनुसार रोमन अंक में उसकी संयोजकता लिखी जाएगी, और इसे हम लिखेंगे आयरन सेकंड क्लोराइड। ठीक इसी तरह अगर FeCl3 है, FeCl3 के लिए यदि हम स्टॉक प्रणाली के अनुसार इसकी संयोजकता लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं आयरन थर्ड क्लोराइड, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे जिंक, या यहाँ पर ले लें Cu+ आयन और Cu2+ आयन, इस प्रकार से। यदि Cu+ आयन Cu2+ आयन में बदल रहा है तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण में जब हम इसका लिखेंगे नामकरण तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, Cu के लिए लिखेंगे हम कॉपर फर्स्ट आयन, इस प्रकार से। ठीक इसी तरह हम Cu2+ आयन के लिए लिखेंगे कॉपर सेकंड आयन,
तो यहाँ पर जो भी संयोजकता होगी, संयोजकता को उसके रोमन अंक के आधार पर आपको उसको नामांकित करना है। तो इसे हम कहते हैं स्टॉक प्रणाली, क्योंकि ये अल्बर्ट स्टॉक के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसे हम स्टॉक प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि जिंक या कॉपर सल्फेट, इस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में आप देखेंगे कि जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है और ये कॉपर धात्विक अवस्था में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिंक के पास अभी ये धात्विक अवस्था में, इसे आप धातु लिख सकते हैं, और जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट चूंकि आयनिक अवस्था में है तो यहाँ पर 2 प्लस आयन होगा और SO4 2 माइनस आयन पहले से ही वो विलयन में मौजूद होगा। तो यहाँ पर जिंक धातु का जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तो ये जिंक 2 प्लस आयन में बदल जाएगा। तो जब हम इसका स्टॉक प्रणाली के अनुसार जब इसका नामकरण करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कॉपर के लिए Cu 2 प्लस आयन, तो यहाँ पर आप CuSO4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉपर सेकंड सल्फेट, कॉपर सेकंड सल्फेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब जिंक सल्फेट के लिए लेंगे तो जिंक सल्फेट के लिए आप लिखेंगे जिंक सेकंड सल्फेट। लेकिन आपको इन दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जो जिंक परमाणु है या जिंक धातु भी अवस्था में है, लेकिन जैसे ही इसका ऑक्सीकरण होता है तो वो आयनिक अवस्था में आ जा रही है, और आयनिक अवस्था में आने के बाद इसके जो रोमन अंक होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस आयन है, जितने भी आवेश होंगे या उसकी संयोजकता होगी उसी आधार पर वहाँ रोमन अंक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। चाहे मान लीजिए या इस प्रकार से लिखा हो HgCl2, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, यदि HgCl2 है तो मरकरी के लिए क्या होगा, 2 प्लस आयन होगा, तो इसको आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, दो क्लोरीन परमाणु है, इसलिए Hg को यहाँ पर लिखेंगे मरक्यूरी सेकंड क्लोराइड। तो जितने भी वो परमाणु के साथ क्रिया कर रहा है वह उसकी संयोजकता के आधार पर होगी, तो उस आधार पर अल्बर्ट स्टॉक ने एक नामकरण तैयार किया था जिसे हम स्टॉक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इस आधार पर आप विभिन्न यौगिकों के लिए स्टॉक प्रणाली के अनुसार नामकरण कर सकते हैं। एक दूसरा नामकरण भी है और इसमें नामकरण का आधार ये था कि जिनकी निम्न ऑक्सीकरण संख्या होगी या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसे हम किस प्रकार लिखेंगे। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर जो नामकरण किया गया यहाँ पर जो निम्न ऑक्सीकरण संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, जिसका ऑक्सीकरण जो अवस्था है या उसकी जो संख्या होगी, जैसा कि हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के ऊपर जो भी आवेश होगा, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, चाहे उसका ऑक्सीकरण हो रहा हो चाहे उसका अपचयन हो रहा हो, तो जितने भी आवेश होंगे वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये कभी भी पूर्णांक नहीं होता, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2,
तो ये इस रूप में कभी नहीं होगा ऑक्सीकरणक। यहाँ पर माइनस टू भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, इस रूप में हो सकते हैं। ये कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, ना वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, नहीं होगा, बल्कि माइनस में होगा या प्लस में होगा। मतलब इसमें आवेश होना ज़रूरी है किसी भी ऑक्सीकरण अंक के लिए। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक प्लस वन है, लेकिन अगर हम संयोजकता कहें तो उसे हम कहते हैं वन है। संयोजकता वन होती है क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक टू है, तो उसे हम माइनस टू लिखते हैं। तो जो माइनस टू होगा वो उसका ऑक्सीकरण अंक होगा। तो इस आधार पर जब हम नामकरण करते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि निम्न या कम से कम ऑक्सीकरण अंक किसका है। जिसका भी कम ऑक्सीकरण अंक होगा उसके प्रत्यय में आपको जोड़ना है अस। प्रत्यय में आप जोड़ेंगे अस। जब प्रत्यय में अस जोड़ा जा रहा है तो उसे हम कहेंगे निम्न ऑक्सीकरण संख्या, और जब प्रत्यय में इक जोड़ा जा रहा है तो उसे कहा जाता है उच्च ऑक्सीकरण संख्या। तो अस और इक के आधार पर जब हम कोई नामकरण करते हैं तो वो नामकरण निम्न ऑक्सीकरण व उच्च ऑक्सीकरण नामकरण कहलाता है। इस आधार पर हम कोई भी यौगिक के लिए ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई यौगिक लिया, जैसे कि इस प्रकार हम इसे बता सकते हैं, तो प्रत्यय के बारे में तो आप सभी जानते हो। जैसे मान लीजिए यहां पर है Fe2+ आयन और ये Fe3+ आयन, या ये Cu+ आयन है या Cu2+ आयन। अब इसमें आप ये तो पता लगा सकते हैं ना कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या निम्न होगी और किसकी ऑक्सीकरण संख्या उच्च होगी। यदि हम निम्न की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए Fe2+ आयन निम्न है, यहाँ ये उच्च है, यहाँ पर Cu2+ आयन है, ये निम्न होगा, और यदि हम Cu2+ आयन की बात करें तो ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो उसी आधार पर हम नामकरण करते हैं। तो Fe2+ आयन को कहा जाता है फेरस, इसे हम कहते हैं फेरस, फेरस, क्योंकि इसमें अस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक इसी तरह जब हम Fe3 3 प्लस आयन की बात कर रहे हैं तो इसे कहेंगे हम फेरिक। तो यहाँ पर एक प्रत्यय लग चुका है। ठीक इसी तरह यदि हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर है तो कॉपर को कहेंगे हम क्यूप्रस, क्यूप्रस। और यदि हम CO2 प्लस आयन की बात कर रहे हैं, चूंकि ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या है, इसे हम कहेंगे क्यूप्रिक। ठीक इसी तरह अगर यहां पर Hg प्लस आयन है या Hg2 प्लस आयन है तो उस आधार पर जब हम नामकरण करेंगे तो इसे हम कहेंगे मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। और इसे कहा जाएगा Hg2+ आयन को मर्क्यूरिक कहा जाएगा, मर्क्यूरिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी यौगिक के लिए बात करें हम तो जिससे भी मिलकर बना हुआ है, जैसे मान लीजिए HgS है ये, तो यहाँ पर Hg+ आयन होगा क्योंकि एक ही परमाणु इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब एक ही परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये ऑक्सीकरण संख्या आप देखेंगे निम्न होगी, और यदि अधिक है क्योंकि आप देखिए ये एक अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण की और दूसरी अभिक्रिया होती है अपचयन की, तो दोनों ही अभिक्रिया को मिला करके हम उसे रेडॉक्स कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उस आधार पर यदि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और यही क्रिया यदि उल्टी हो रही है तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एच जी टू प्लस आयन है और एच जी टू प्लस आयन एच जी प्लस आयन में बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है तो भी ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या है और ये निम्न ऑक्सीकरण संख्या है, तो उस आधार पर इसे हम मर्क्यूरिक ही कहेंगे और इसे हम मर्क्यूरस ही कहेंगे। तो ऑक्सीकरण में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी निम्न ऑक्सीकरण संख्या होगी और आपको नामकरण करना है तो उस परमाणु या उस धातु के साथ आपको अस प्रत्यय जोड़ना है, जैसे कि हम फेरस के लिए बता रहे हैं या क्यूप्रस के लिए बता रहे हैं या फिर आप मर्क्यूरस की बात करें। तो इस आधार पर जब नामकरण होता है तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम अस प्रत्यय जोड़ते हैं और उच्च ऑक्सीकरण संख्या के लिए
एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस आधार पर नामकरण किया जाएगा, तो उसे हम ऑक्सीकरण अंग नामकरण कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं स्टॉक प्रणाली का थोड़ा सुधरा हुआ रूप। नेक्स्ट है, अब इसमें आप देखिए कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से दो अर्ध अभिक्रियाएं इसमें लगातार चलती रहती है। तो इसे बताने के लिए हम एक सेल के बारे में बता रहे हैं आपको, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, जैसे कि आपको पता है कि विद्युत रासायनिक जो सेल होता है इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया होगी और अपचयन की भी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि आप रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये जो सेल है ये दोनों प्रकार से काम करता है। इसके लिए जो सेल तैयार किया जाएगा इसमें हम दो पात्र लेंगे, एक पात्र इस प्रकार का होगा और दूसरा पात्र भी सेम ही होगा, और दोनों ही पात्र के अंदर आपको इलेक्ट्रोड डालना है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रोड इसमें लगाएंगे और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसे कुंजी से आप जोड़ देंगे और कुंजी का संपर्क आप गैल्वेनोमीटर से कर देंगे। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इसका नाम है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक इसी तरह इसके अंदर जो विलयन होगा उसका नाम होगा जिंक सल्फेट, उसी से संबंधित आपको विलयन लेना है जिंक सल्फेट। ठीक इसी तरह आप देखिए दूसरा पात्र हमने लिया और दूसरे पात्र में हमने दूसरा इलेक्ट्रोड डाला है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसका नाम है कॉपर। कॉपर, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड को भी ठीक इसी तरह जो विलयन आपको इसमें डालना है इसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन आपने इसमें डाल दिया, डालने के बाद एक आपको यहाँ पर एक ब्रिज इसमें डालना है जिसे कहते हैं लवण सेतु। जैसा आपने देखा होगा ना, दो पहाड़ को यदि हमको जोड़ना है तो एक ब्रिज हम बनाते हैं, एक सेतु बनाते हैं, ठीक इसी तरह दो पात्र को हमको जोड़ना है तो इसके लिए हम सेतु का निर्माण करते हैं, और ये जो सेतु होता है इसे कहते हैं लवण सेतु। इसका नाम है लवण सेतु, क्योंकि ये लवण से बनता है इसलिए इसको हम लवण सेतु कहते हैं, और ये एक जेली होती है और इस जेली का नाम है जिलेटिन भी बोल सकते हैं इसे आप, अगर अगर का विलयन भी कह सकते हैं, और जब अगर अगर के विलयन में हम उस विलयन को डालते हैं, उस लवण को डालते हैं, तो लवण को डालने के बाद ये जो पात्र है ये सॉलिड बन जाता है या ठोस के रूप में बदल जाता है। तो जब ठोस के रूप में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं लवण सेतु। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि हमने दो पात्र लिया, दोनों पात्र में हमने दो इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड लेने के बाद हम इसे कुंजी से जोड़ देंगे और कुंजी का संपर्क, कुंजी आप इस की कह सकते हैं या बटन कह सकते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को रोक सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लिया है और ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम विच्छेद देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न हुई या नहीं। तो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें हमने एक पात्र लिया है जिसे एनोड कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं एनोड जो किरण ध्रुव है, दूसरा जो पात्र है इसे हम कहते हैं कैथोड, ये जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है इसे कैथोड कहेंगे, और ये धनात्मक ध्रुव।
अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया स्टार्ट होगी, तो अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जैसा कि आपको पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो जिंक इलेक्ट्रोड जो कि धात्विक अवस्था में है और इसके बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है या त्याग सकता है। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके इस परिपथ से होते हुए आगे बढ़ते हैं और वो दूसरे पात्र में जाते हैं। तो ये जो दूसरे पात्र में जा रहे हैं, तो ये जाने के लिए जो ये एक ब्रिज है, यह उसकी मदद करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ दो अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। तो चूंकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो जाएगा और अपचयन होने से जो कॉपर धातु कॉपर आयनिक अवस्था में थी वह यहाँ पर धात्विक अवस्था में बदल जाएगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं को अलग अलग रूप में आप अर्धशैल अभिक्रिया कहेंगे। तो इसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया नंबर एक, तो ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया है। तो यहां पर यह अभिक्रिया कहां हो रही है, एनोड में हो रही है, तो आप यहां लिख सकते हैं एनोड, और एनोड में हो रही है तो यहाँ पर जो जिंक धातु है इसका ऑक्सीकरण होगा और ये ऑक्सीकरण होने के बाद जिंक पर दो आयन हो जाएंगे और टू इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये कहलाएगी पहली अर्धशैल अभिक्रिया जिसमें जिंक धातु अपनी आयनिक अवस्था में आ रहा है, तो ये अर्धशैल अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया होगी अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया, जैसा कि आपको पता ही है कि अपचयन अपचयन होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जिंक परमाणु के द्वारा दिए जाएंगे वही कॉपर धातु के द्वारा उसे ग्रहण किए जाएंगे। तो कॉपर धातु नहीं है बल्कि यहाँ पर आयनिक अवस्था में है, तो यहाँ पर जो Cu2+ आयन, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण पहले ही हो चुका है और ऑक्सीकरण होने के बाद जिंक धातु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा रहे हैं उसे ये ले लेगा। जैसे ही, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर जो जिंक 2+ आयन है इसकी संख्या यहाँ पर दो है, दो आयन है पहले से ही मौजूद है क्योंकि अपचयित अवस्था में है, और ये इसका अपचयन दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो जाएगा और ये आयनिक अवस्था से धात्विक अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ये Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन- को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे कॉपर धातु और इसे आप कॉपर आयन कह सकते हैं, कॉपर आयन। ठीक इसी तरह इसे आप जिंक आयन कह सकते हैं और इसे आप कहेंगे जिंक धातु। तो इस प्रकार से दो अभिक्रिया दिखाई दे रही है। अब तीसरी आप अभिक्रिया लिखेंगे तो उसी में आप लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो दोनों ही अभिक्रिया को आपको जोड़ना है, क्योंकि यहां पर इस एनोड के द्वारा जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस लवण सेतु की सहायता से, और ये लवण सेतु जो है एक उदासीन विलयन होता है और उदासीन ठोस विलयन होता है जो किसी भी प्रकार से इस विलयन के साथ क्रिया नहीं कर रहा है, बल्कि वह इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से होते हुए, इस सेतु से होते हुए, इस पुल से होते हुए, इस ब्रिज से होते हुए, इस
इन एनोड से ये कैथोड की ओर गति करते हैं। गति करने के बाद इस इलेक्ट्रोड में जो कि कॉपर जो है आयनिक अवस्था में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये 2- आयन है, तो यहाँ पर हमको कॉपर को ध्यान में रखना है। तो जो कॉपर आयनिक अवस्था में है, ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचते हैं, आप एरो बता सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद कॉपर के द्वारा उन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया जाएगा, और ग्रहण करने के बाद यहाँ आप बता सकते हैं यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है। ठीक इसी तरह यहाँ आप बता सकते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इन दो अभिक्रियाओं के बाद आप देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, और रिडॉक्स अभिक्रिया को हम लिखेंगे इस प्रकार से, जिंक प्लस Cu 2+ आयन एरो जिंक 2+ आयन प्लस कॉपर इस प्रकार से। तो ये होगी आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन जब हम इसे लिखते हैं, जब सेल के रूप में लिखते हैं, ये तो एक अभिक्रिया के रूप में हमने लिखा है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं आपको, विद्युत रासायनिक सेल। तो ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस सेल को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। जनरली हम देखते हैं कि हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर हम किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। और ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है। तो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, और उसके बाद जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी दो अर्ध सेल अभिक्रिया के पश्चात। तो यहाँ दो अर्ध सेल अभिक्रिया है, एक ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, दूसरी ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, और इसके बाद जिंक और कॉपर आपस में अभिक्रिया के द्वारा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, मतलब इस प्रकार से फ्लक्चुएशन होगा इसमें। तो फ्लक्चुएशन हो रहा है मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो इस विद्युत धारा को उत्पन्न होने से रोकने के लिए हम इस कुंजी को बंद चालू भी कर सकते हैं। यदि हम बंद करते हैं तो यहाँ पर विक्षेप होना बंद हो जाएगा, अभिक्रिया स्टोर हो जाएगी। इसको हमने चालू कर दिया, जैसे आपके घर में भी बटन होता है, यहाँ भी आप देखे होंगे कि बटन है यहाँ पर, जिसके द्वारा हम पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी भी मोटर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसे हम ऑन ऑफ करने के लिए जिस कुंजी या बटन की सहायता लेते हैं, वैसे ही कुंजी यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार से जब हम सेल के रूप में जब हम इसे लिखते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जिंक प्लस जिंक यहाँ पर धातु लिखेंगे, कॉपर 1.0 वोल्ट, फिर यहाँ पर आप साल्ट ब्रिज जिसको हम कहते हैं लवण से, तो उसका आप चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार से। इसमें दो लाइन होगी, उसके बाद आ जाएगा Cu 2+ आयन, सॉरी जिंक 2+ आयन प्लस कॉपर इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1.0 एम मोल, क्योंकि यहाँ एक्वस अवस्था में मौजूद है, यहाँ पर ये जलीय अवस्था में मौजूद है, तो एक्वस लिख सकते हैं यहाँ। और ये जो है कॉपर धात्विक अवस्था में है, और पहले जो है जिंक जो है धात्विक अवस्था में है। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं, जब यदि इस सेल की क्रियाविधि को यदि आप लिख रहे हैं, तो क्रियाविधि लिखने के वक्त में आपको लिखना होगा, सबसे पहले आप बताएंगे इसमें, सबसे पहले पहला पॉइंट होगा इसका क्रियाविधि में, विद्युत रासायनिक सेल में आप बता सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल है। इस प्रक्रिया को तैयार करने के लिए या इस क्रियाविधि को अपनाने के लिए सर्वप्रथम दो पात्र लिए जाते हैं, जिसमें बाईं ओर हमेशा एनोड लिया जाता है जिसमें ऑक्सीकरण होना है, और दाईं ओर हमेशा कैथोड लिया जाता है जिसमें अपचयन होना है। और अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही पात्र को जिसमें हो रहे हैं उसे हमें लवण सेतु के द्वारा जोड़ना है।
तो जब हम लवण सेतु के द्वारा इसे जोड़ देते हैं तो यह किसी भी प्रकार से ये जो विद्युत अपघट, क्योंकि इसके अंदर विद्युत अपघट होगा और विद्युत अपघट के बारे में आपको पता ही है कि चाहे वो लिक्विड अवस्था हो चाहे ठोस अवस्था हो उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम विद्युत अपघट की बात करें तो यहाँ जो विद्युत अपघट होगा वो उदासीन अवस्था में यहाँ पर निर्मित होगा, क्योंकि विद्युत अपघट का मेन गुण ये होता है कि वो रिएक्शन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही इसके साथ जेली का निर्माण करते हैं तो जेली जो है इसको सॉलिड बना लेती है, फिर ये क्रिया करने योग्य नहीं रहता है बल्कि कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे ही ये उदासीन हो जाता है तो ये सिर्फ हेल्प करता है कि ताकि इस इलेक्ट्रॉन को इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने देगा। तो एक पैसेज के रूप में, एक ब्रिज के रूप में जो है इस ये इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से निकलकर कॉपर में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर यह होता है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रोड में जिंक धातु होगी, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा। ठीक इसी तरह कॉपर में यहाँ पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड रख रहे हैं उसका भी एक निश्चित द्रव्यमान होगा। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो जब इसको हम काउंट करते हैं, इसको हम नापते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि जो जिंक धातु में मौजूद द्रव्यमान है उसका मान धीरे धीरे कम हो जाता है और यहाँ जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो जिंक आयन है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर तरफ जा रहे हैं या दूसरी अर्धशैल में पहुँच रहे हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान कम हो जाता है और इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो उससे भी पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है और जैसी अभिक्रिया कंप्लीट होती है या अभिक्रिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड आ जाएगा, कौन से आयन आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉपर किस अवस्था में है, आयनिक अवस्था में, और ये धात्विक अवस्था में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह यहाँ जो जिंक धात्विक अवस्था में था इसके बाहर आप देखेंगे जिंक आयन यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आयनिक अवस्था उत्पन्न हो रही है, एक धातु की आयनिक अवस्था में परिवर्तन होना और एक आयन का धात्विक अवस्था में परिवर्तन होने के कारण जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम बाहरी क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्रियाविधि में 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट आप इसका दे सकते हैं, लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं क्रियाविधि की क्या हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप बताएंगे पहले एनोड को या ऑक्सीकरण को हम बाईं ओर रखते हैं, दूसरे में आप बता सकते हैं यहाँ पर अपचयन की क्रिया के लिए जो सेल होगा, जो पात्र होगा उसे हम कैथोड कहते हैं और उसे हमेशा हम दाईं ओर रखते हैं। फिर अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो भी लवण सेतु यहाँ उपयोग में लाया जाता है वो दोनों ही पात्रों को जोड़ता है। तो दोनों ही पात्र को यदि हम जोड़कर इसे लगा दें तो जो रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक क्षेत्र से निकल दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उस आधार पर दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है और पहले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया रुकती कैसे है, तो यहाँ पर जैसे ही इसका घनत्व बहुत अधिक हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का तो यही जो सॉल्ट ब्रिज है जिसको हम लवण सेतु कहते हैं इस अभिक्रिया में आयनों के आने को रोक देता है। जैसे ही आयनों के आने को रोक देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो आवागमन है वो रुक जाता है और अभिक्रिया रुक जाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया रुकती भी है कि यहाँ पर जब घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा और यहाँ कम हो जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें मदद करता है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, कॉपर आयन की तरफ जा रहे हैं, तो ये यहाँ चेक हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कॉपर में मौजूद जो आयन होता है वह भी इलेक्ट्रॉनों को निकलने से रोकता है। तो ये दोनों ही जो पात्र हैं अपने अपने में मौजूद जो आयनों के कारण जो अभिक्रिया को अंजाम देते हैं या अभिक्रिया का टर्निंग पॉइंट बनाते हैं उस सेल को ही हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो इस आधार पर हम विद्युत रासायनिक सेल के रूप में देख सकते हैं। तो इसका उपयोग आप बता सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल एक सेल है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है
जैसा कि हम यहाँ पर सेल के बारे में आपको बताया है और सेल में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में लवण सेतु का उपयोग है, तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। लवण सेतु, तो ये जो लवण सेतु होता है इसमें कुछ लवण उपयोग में लाए जाते हैं और इस लवण का नाम है पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है KNO3 या फिर NH4NO3 हो सकता है, कोई सा भी लवण इसमें आपको लेना है। और इसके लिए कांच की एक यू आकार की नली होती है इस प्रकार से, और इस यू आकार की नली को हम उल्टा रखते हैं। पहले इसे हम सीधा ही रखेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमको इसमें विलयन भरना है। तो इसके लिए हम ये जो विद्युत अपघट है, इस विद्युत अपघट को हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसमें जिलेटिन डाला जाता है या फिर इसमें आप डालेंगे अगर अगर का विलयन। ये एक विलयन होता है, जिलेटिन एक पाउडर के रूप में मिलता है, जैसे आप पानी में घोलते हैं तो वह लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो इसे आप पानी में घोलने के बाद इसमें आप ये विद्युत अपघट्य को डाल देंगे, डालने के बाद वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे ही वो मिक्स होता है उसको तुरंत ही इस नली के अंदर डाल दिया जाता है। इस नली के अंदर डालने के बाद आपने डाल दिया और यहाँ पर एक ऐसा कांच का कॉर्क लगा दीजिए और कांच के कॉर्क में रुई आप अंदर फिक्स कर दीजिए ताकि ये जो पात्र है वो पूरी तरह से एडियाबेटिक हो जाए, रुद्धोष्म हो जाए और ये आप देखिए ना अंदर की ऊष्मा बाहर जाए ना बाहर की ऊष्मा अंदर आए। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन में ऐसा गुण होता है कि वो तुरंत जम जाता है। तो ये जैसे अभी तो ये गर्म है लेकिन धीरे धीरे ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद क्या होगा, ये जम जाएगा। तो जमने के बाद क्या होगा, ये अब ये विलयन नहीं रहा बल्कि कैसा हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। और ठोस बनने के बाद अब ये किसी के साथ क्रिया कर सकता है क्या? आपको यदि क्रिया करानी है तो उसको लिक्विड अवस्था में रखना पड़ेगा, लेकिन आपने इसमें लिक्विड अवस्था में आपने क्या मिला दिया है, जिलेटिन मिला दिया है या अगर अगर विलयन मिला दिया है। जैसे इसको आपने मिलाया तो ये जो विलयन है जो कि विद्युत अपघट्य है इसके साथ मिलने के कारण ही ये उदासीन बन जाता है। तो रुई युक्त कांच का कॉर्क इसमें लगा दिया जाता है, लगाने के बाद इसे हम वैसे उल्टा करके इसे हम दोनों पात्रों के बीच में रख देते हैं। तो दोनों पात्रों के बीच में रखने के कारण यह अभिक्रिया जो है पूरी तरह से अभिक्रिया को उदासीन बना देती है, ताकि जैसे आप देखे होंगे कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन सिर्फ उस अभिक्रिया को प्रोवोक करने का काम करता है, उस अभिक्रिया को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, ताकि वो अभिक्रिया यदि धीमी गति से चल रही है तो वो तेज़ हो जाए, यदि बहुत तेज़ है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम उसको धीमा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यह अभिक्रिया में एक सेतु के समान कार्य करता है और इलेक्ट्रॉनों के बहाव को, ये जब अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है तो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को ये रोक भी सकता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इस पैसेज से होते हुए, इस पुल से होते हुए पार होकर के दूसरे पात्र में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो लवण सेतु है, तो सेतु हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि लवण के द्वारा बना है और ये जो लवण है जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित आयन दोनों बराबर है उसे ही हम लवण कहते हैं। यदि हमको लवण का निर्माण करना है तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो भी यौगिक हमको प्राप्त होता है वो लवण होता है। चाहे आप सोडियम क्लोराइड की बात करें, चाहे आप पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये भी एक विद्युत अपघट्य है लेकिन ये विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य है। और जैसे ही प्रबल विद्युत अपघट्य को हम पानी में मिलाते हैं तो इनका 100% आयनन हो जाता है, 100% आयनन हो रहा है। और जब 100% आयनन होता है तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड बचेगा क्या? नहीं बचेगा, पूरे आयन ही होंगे और ये आयन यहाँ पर मौजूद हैं विलयन के रूप में। लेकिन जैसे हम जिलेटिन या अगर अगर विलयन मिलाते हैं तो ये पूरी तरह से ठोस में बदल जाता है।
या आप कह सकते हैं सेमी सॉलिड अर्ध ठोस के रूप में बदल जाता है और इसे हम कॉर्क के द्वारा बंद कर देते हैं। अब ये पूरी तरह से तैयार है रेडॉक्स अभिक्रिया में विद्युत रासायनिक सेल को के में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। तो इस प्रकार से लवण सेतु का क्या उपयोग हो सकता है, यदि हम यहाँ पर इसका उपयोग लिखना चाहें तो इसे हम उपयोग के रूप में क्या लिख सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक क्षेत्र से या एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में भेजने का कार्य करता है। भेजने का कार्य करता है और उसी प्रकार से दूसरा हम ये बता सकते हैं कि ये तो पूरी तरह से विलयन उदासीन होता है, विलयन को उदासीन रखता है और विलयन को उदासीन रखता है। साथ ही आप देखेंगे कि जब अभिक्रिया अपनी चरम सीमा पर होती है तो अभिक्रिया में आप देखेंगे कि जब अभिक्रिया लास्ट मोमेंट पर आ गई है तो जिंक आयन जिंक में से या ऑक्सीकरण जिस पात्र में हो रहा है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों को दूसरे क्षेत्र में जाने से रोक सकता है, तो रोकने का काम भी करता है। या कॉपर में इलेक्ट्रॉन को आने से रोकने का काम कर रहा है या जाने से रोकने का काम कर रहा है, तो दोनों ही प्रकार से जो लवण सेतु कार्य करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपयोगी है विद्युत रासायनिक सेल के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नामकरण रेडॉक्स अभिक्रिया का कैसे हमने बताया, ठीक इसी तरह विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की क्या उपयोगिता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।